तो इस तरीके के आईब्रो बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक्स्ट्रा हेयर को कट कर लेना है इस तरीके से, जैसे कि मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। एक्स्ट्रा हेयर कट करने के लिए सब करने के बाद आपको सबसे पहले अपने दोनों आईब्रो के बीच की गैपिंग तय करनी है और एक्स्ट्रा हेयर को निकालेंगे। दोनों आईब्रो को परफेक्ट शेप देने के बाद फ्रंट से एकदम स्ट्रेट लाइन बनानी है दोनों आईब्रो के बीच में। एंड धीरे धीरे जैसे मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा हेयर को रिमूव कर रही हूँ, उस तरीके से आपको एक्स्ट्रा हेयर को रिमूव करते हुए एक अच्छी सी शेप देनी है इस तरीके से। तो ऐसे ही शेप दे रही हूँ और फोरहेड भी साथ के साथ मैं इनका क्लीन करूँगी। तो देख सकते हो कितने ईजिली, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुंदर सा शेप आ गया ऊपर से हमारे आईब्रो का, और इस तरीके से साथ के साथ मैं फोरहेड भी क्लीन कर रही हूँ। अगर आपको आईब्रो बनाते टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है तो आप कस्टमर को पहले हल्की सी मसाज दे के उस पर गुलाब जल लगाओगे, 2 मिनट के लिए स्किन को रिलैक्स होने के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद से आईब्रो करना स्टार्ट करेंगे तो पेन बहुत ही कम होगा। और आईब्रो का धागा जो होता है उसको बहुत ही हल्के हाथों से चलाना होता है, जितना लाइट हाथों से आप काम करोगे उतना ही कस्टमर को रिलैक्स फील होगा एंड पेन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बिल्कुल हल्के हाथों से आपको आईब्रो बनानी है और बिल्कुल भी दबाव नहीं डालना है, रगड़ना नहीं है, तो आपका जो शेप है वो बहुत परफेक्ट आएगी एंड कस्टमर को पेन भी फील नहीं होगा। इनके इस तरीके से आपको धागे को लेके जाना है और बिल्कुल एक शेप देनी है बढ़िया सी, जैसे कि कस्टमर को आईब्रो चाहिए उस हिसाब से। पहले आप आईब्रो को पूछोगे कस्टमर से कि किस तरीके की बनानी है, उसके हिसाब से आपको आईब्रो बनानी है। और ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर आपको बोल रहा है कि पूरा आर्च वाला आईब्रो बनाओ, पॉइंट वाला आईब्रो बनाओ, उनका आईब्रो जो है वो पॉइंट वाला है ही नहीं, तो आप नहीं कर सकते। हाँ, हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि हम उनको जैसा उनकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही बना के दें, बट डिपेंड करता है कि उनका ग्रोथ कैसा है, शेप कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। बट अगर आपके आईब्रो बहुत ज़्यादा झुकी हुई है तो हम बिल्कुल भी उठा के उसको नहीं बना सकते, थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं, तो ऐसा होता है। तो अगर क्लाइंट आपको बोल रहा है कि आपको ऐसे चाहिए तो आप उनको बताओ कि आपका शेप जैसा है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत हम लोग कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। लेकिन आप कस्टमर को पेन फील मत होने दीजिए, अपनी तरफ से 100% कोशिश कीजिए कि जो आईब्रो का शेप है वो बिल्कुल अच्छे से बने और कस्टमर के फेस के अकॉर्डिंग बने। ज़रूरी नहीं है कि आप सबको चौड़ी ही आईब्रो बना के दोगे, फेस के जैसा आपका फेस शेप है उसके अकॉर्डिंग ही हमको आईब्रो बनानी होती है। बट बहुत ज़्यादा पतली आईब्रो अच्छी नहीं लगती है, तो आप बहुत ज़्यादा पतली मत कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटी भी सबके फेस पे नहीं सूट करती है। तो आप फेस पहले देखो और कैसा सूट करेगा उनके आईब्रो पे, फेस पे आईब्रो की थ्रेडिंग, उसके अकॉर्डिंग आप बनाओ। तो पहला आईब्रो आपने देखा कैसे बनाया मैंने, अब दूसरे को भी इस तरीके से बनाएंगे। ध्यान से देखिए, हल्के हाथों से, बिल्कुल भी दबाव नहीं डालना है, बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है। कस्टमर को बोलना है ज़ोर से खींचने के लिए, क्योंकि जितना टाइट रखेंगे उतना आपको आईब्रो धागा हेयर निकालने में ईजी होगा, धागे की जो कैंची है उसमें हेयर ईजिली फंसेगा और कस्टमर को भी पेन नहीं फील होगा, शेप भी बहुत अच्छी आती है। तो कस्टमर को बोलो कि बहुत ज़ोर से खींचे अपना आईब्रो, ताकि अच्छे से, बहुत भी जो इतना भी ज़ोर से नहीं कि उनको पेन फील हो, बट टाइट रखना है। लूज रखने पे क्या होगा कि आपको कट लग सकता है और शेप भी बिगड़ सकती है, इसलिए आपको टाइट रखना है, लूज नहीं होने देना है। बिल्कुल हल्के हाथों से शेप देना है आईब्रो को इस तरीके से पकड़ाते हुए, जहाँ भी लूज लग रहा है बिल्कुल टाइट पकड़वा के। देखिए कितना सुंदर सा शेप हमारा आ गया। अब जहाँ भी आपको लगे कि एक्स्ट्रा हेयर है, कहीं एक दो बाल रह जाते हैं, उनको अच्छे से क्लीन करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे थ्रेडिंग को बना लिया है और इनका जो परफेक्ट शेप था वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो आपको कैसा लगा आज का ये थ्रेडिंग आईब्रो, आई होप कि पसंद आया हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार और मैं आपको यहाँ पे रीटेक करके दिखाती हूँ, ये देखिए इनका थ्रेडिंग है ये, और यहाँ पे इसको कट करेंगे कुछ इस तरीके से। स्टार्टिंग मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया था, तो अभी मैं थोड़ा सा स्पीड कम करके और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो इस तरीके का आईब्रो है, इसको मैंने कट कर लिया है और बीच से देखिए कितना निकालना है हेयर आपको, इस तरीके से बिल्कुल आराम आराम से आपको हेयर को निकालना है और एक परफेक्ट शेप देनी है, आई शेप 1 जो लिखते हैं हम लोग, उस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट शेप देनी है फ्रंट में। तो इस तरीके से मैं देखिए यहाँ पे निकाल रही हूँ, एक्स्ट्रा हेयर को निकाल देंगे, बिल्कुल अच्छे से क्लीन होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग बिंदी लगाते हैं तो एक्स्ट्रा हेयर रहता है, तो बिंदी हमारी अच्छे से चिपकती नहीं है और पूरा अच्छे से क्लीन करने के बाद ही जो हमारी शेप होती है वो क्लियर दिखती है। माथा साफ करना है,
तो इसी तरीके से आपको सेप बनाना, देखिए कैसे मैं धागे को लेके जा रही हूँ। यहाँ पे मैं पूरा वीडियो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आपने पहले पूरा देख लिया, बस थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने यहाँ पे स्लो वीडियो भी ऐड कर दिया था उसी क्लाइंट का जिसका मैंने पहले बताया था। देखिए इस तरीके से सेप देना है, अब दूसरी साइड इस तरीके से घुमाना है धागे को, ध्यान से देखो आप, और पूरा अच्छे से एक सेप देनी है। आईब्रो को छोटा नहीं करना, लंबा ही रखना है जैसे कि मैं यहाँ पे करी, बस आपको सेप देनी है ऊपर से, एक्स्ट्रा हेयर कुछ भी नहीं निकालना। फिर धीरे धीरे सारे फोरहेड के हेयर को क्लीन कर लेंगे, ओके। तो इस तरीके से एक परफेक्ट सेप देनी है और फोरहेड पे जितने भी हेयर हैं उनको क्लीन करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से, बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है, बिल्कुल भी दबाव नहीं डालना है एंड खींचना नहीं है बहुत ज़्यादा रगड़ के साथ, उससे आपको क्लाइंट को पेन फील होगा, कट लग सकती है। तो इसलिए बिल्कुल हल्का हाथ, जितना हल्का हाथ चलाओगे उतनी सेप अच्छी आएगी, उतना ही क्लाइंट को रिलैक्स रहेगा, पेन भी बिल्कुल नहीं होगा, ओके। तो इस तरीके से ऊपर का सेप हमने दे दिया। नीचे का सेप देने के लिए आपको कस्टमर को बोलना है कि आप अच्छे से आईब्रो को ऊपर और नीचे से खींचना है ताकि हम लोग को थ्रेडिंग करने में दिक्कत ना हो और उनका जो सेप है वो भी अच्छा है और स्किन टाइट रहेगी तो कट भी नहीं लगती है, ओके। पहले मैं फोरहेड यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ, इस तरीके से पकड़ना है यहाँ पे जो आईब्रो का आर्च है यहाँ पे आपको इस तरीके से फिंगर से पकड़वाना है और नीचे से भी कुछ इस तरीके से ऊपर पकड़ना है, इस तरीके से पकड़ना है। देखिए इनको पकड़ने नहीं आता तो फिर मैंने इनको बताया कि ऐसे पकड़ना है, शायद इनका फर्स्ट टाइम था थ्रेडिंग का, तो फर्स्ट टाइम में मैंने इनका इतना सुंदर शेप बनाया था, इनको डर लगता था इसलिए आईब्रो नहीं बनवाती थी, बट मैंने किया तो इनको बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ और ये ठीक थी, रिलैक्स थी पूरा। इस तरीके से हमने पकड़ा है आईब्रो को और देखिए यहाँ से इस तरीके से लेके जाएंगे धागे को, देखिए कैसे मैं लेके जा रही हूँ। धागे का घुमाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए, नहीं तो फ्रंट से क्या होता है हमारा जो एक्स्ट्रा हेयर है वो निकल जाता है और शेप अच्छी नहीं आती आईब्रो की, है ना। तो इसलिए आपको इस तरीके से करना है और बिल्कुल परफेक्ट शेप देते हुए धीरे धीरे हेयर को रिमूव करेंगे। तो एक आईब्रो में बिल्कुल स्लो स्पीड में आपको समझा रही हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी एक्स्ट्रा लगे एक दो हेयर भी तो आप उसको निकाल लीजिए, नहीं तो आपकी जो शेप है वो परफेक्ट नहीं आएगी थ्रेडिंग की। इस तरीके से तो देखिए कितना अच्छा सा शेप हमारा यहाँ पे आ गया। अब एक्स्ट्रा हेयर को भी धीरे धीरे करके रिमूव कर लेंगे। अब दूसरी साइड आते टाइम आपको धागे को साथ के साथ ऐसे घुमाते जाना है ताकि सेप आपकी बिगड़े नहीं, आईब्रो छोटा ना हो, इस चीज़ का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखिए। तो ये देखिए पूरा परफेक्ट सेप हमने दे दिया है, बस एक्स्ट्रा हेयर को मैं निकाल रही हूँ, सॉरी हाथों की वजह से हो सकता है कि थोड़ा बहुत ना दिखाऊँ, लेकिन फ्रंट में मैंने बताया था। तो वीडियो को अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप बैक जाके दोबारा से देख सकते हो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा था मुझे तो मैंने यहाँ से हेयर को निकाल दिया और ये है हमारा फाइनल लुक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए हो, वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। मेरी ब्लॉग वीडियो, सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे सेकंड चैनल पर ज़रूर जाइए, सेकंड चैनल का नेम है प्रीत तिवारी 2, उस पर मैं मेरी डेली अपडेट्स जाते रहती हैं मैं क्या कर रही हूँ और मैं सिलाई से रिलेटेड चीज़ें भी और स्टाइल से रिलेटेड कपड़ों के अकॉर्डिंग जैसे शॉर्ट हाइट, लॉन्ग हाइट, हाइट के अकॉर्डिंग, बॉडी शेप के अकॉर्डिंग कपड़े कैसे पहनने चाहिए सारी चीज़ें क्लियर करते रहती हूँ। तो इस तरीके से अब आपको दूसरी आईब्रो को बनाने के लिए पहले बीच से इस तरीके से खिंचवाना है आईब्रो को और नोज के पास के सारे एक्स्ट्रा हेयर निकाल देने हैं। ऐसे खिंचवा लोगे तो जैसे स्ट्रेच करेंगे ना, खींच लेंगे अपने आईब्रो को तो सारे हेयर अच्छे से निकल जाएंगे। अब बिल्कुल बराबर शेप होनी चाहिए दोनों आईब्रो की, ऊपर नीचे ना हो, इसके लिए इस तरीके से खींचते ही साथ के साथ आपको हेयर को रिमूव कर लेना है नीचे का ताकि शेप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आए, आईब्रो बिल्कुल भी ऊपर नीचे ना जाए। तो चलिए सेकेंड फर्स्ट आईब्रो आपने देख ली और अच्छे से आपको समझ में आ भी गई है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। क्योंकि ये हम लोग गए थे, मेरी सिस्टर जो आई थी तो हम लोग गए थे वेनिस मॉल, तो हम घूम रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने छोटी सी ब्लॉग की वीडियो ली तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एंड आईब्रो का सेप कैसा लगा, अच्छे से समझ में आया नहीं आया सारी चीज़ें मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कुछ भी डाउट है तो क्लियर कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, सेकेंड चैनल पर जाके वीडियो ज़रूर देखिएगा।